हेलो बच्चों, आज हम रीजनिंग का दूसरा पार्ट लेके आए हैं आप लोगों के सामने। इसमें हम आपको वर्णमाला का प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश के बारे में चर्चा करेंगे। उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे जो पेपर में हर बार आते रहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो हम जान लेते हैं कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश होता क्या है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दायां बायां बताया था, तो वो चीज़ हम जान लेते हैं कि हमारा जो होता है अल्फ़ाबेट में, हमारा ए से जेड की तरफ हम चलें, जेड की तरफ हम चलें, तो ये हमारा बायां होता है और ये साइड हमारी दाएं होती है। ठीक है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना है कि ये साइड जहाँ से हम लिखना चालू करते हैं, हमारी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट जान लेते हैं हम। तो इसको कहते हैं वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम, वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम। ठीक है, अब जो हमारी वर्णमाला है, वर्णमाला को दो पार्टों में विभक्त किया गया है, ए से एम तक। ठीक है, इसको कहते हैं प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश। ठीक है बच्चों, दूसरा होता है हमारा एन से जेड तक, इसको कहते हैं द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। ठीक, प्रथम अर्धांश ए से एम तक होता है, यानी हमारे टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो 13 पे हमारा प्रथम अर्धांश आधा हिस्सा हो जाता है, फिर 14 से लेके 26 तक हमारा दूसरा अर्धांश हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में जान लेते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे अपना। अब जो हमारे क्वेश्चन है, तो वो हमसे कहता है कई बार क्वेश्चन रखने के तरीके उसके अलग होते हैं, तो हम पहले जिस आधार पे क्वेश्चन बनेंगे वो आपका लिख देते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, इस पे आधारित हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर क्या है, पांचवा अक्षर क्या है। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं कि उसने हमसे कहा पांचवा अक्षर क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये कि उसने हमसे कहा अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। ठीक है,
और द्वितीय अर्धांश को ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाए, यानी वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो क्या करना है हम लोगों को? तो हमारा पॉइंट है, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे हम? अपने अंग्रेजी वर्णमालों को लिख लेते हैं। तो हमारा है अंग्रेजी वर्णमाला में एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। ठीक है, ये कौन सा क्रम हो गया? ये हो गया आपका प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम। ठीक है, प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम हो गया आपका। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है आप लोगों को? इन्होंने हमसे कहा बाएं से सातवें अक्षर, तो बाएं से सातवें अक्षर पे चलते हैं। ये आपका है एक दो तीन चार पाँच छ सात, तो सातवां अक्षर कौन सा हो गया आपका? जी सातवां अक्षर हो गया। ठीक है, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर बताना है, तो दाएं चलना है, इसका मतलब इधर से इधर ही चलना है। पांचवा अक्षर चलते हैं, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, तो दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा हो गया? बी हो गया आपका। ठीक, बाएं से सातवां अक्षर जी प्राप्त हुआ। फिर उसने कहा कि सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर बताइए, तो इसके दाएं पांचवा इधर ही है, तो एक दो तीन चार पाँच, तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसी की तरह, सेकंड क्वेश्चन है प्रथम अर्धांश अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो या नहीं होगा कौन सा है? ठीक है, तो क्या है प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ हो? लेकिन टाइप हमारा वो ही रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश किसमें लिखा हो? विपरीत क्रम में लिखा हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। क्या है प्रथम अर्धांश का वह अक्षर? तो पहले हमारा वही है, विपरीत क्रम में लिखा हुआ है वो एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। ठीक है, अब इसमें कौन सा अक्षर है बीच में? एक दो तीन चार पाँच छ सात, इधर से गिने, एक दो तीन चार पाँच छ सात, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या है? इधर बीच में सात आया हुआ है, यानी जी आया हुआ है। चलिए प्रथम अर्धांश को सीधा लिख के देख लेते हैं कि जो परिवर्तित नहीं हुआ है अक्षर ए बी सी डी ई एफ एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है,
एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यानी कौन सा अक्षर है जो प्रथम अर्धांश को विपरीत करने में और वर्णमाला के अनुसार रखने पर भी परिवर्तित नहीं हुआ है, तो हमारा क्या है, जी अक्षर है। वो अक्षर का स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है, तो वो कौन सा अक्षर है हमारा, वो हमारा है जी अक्षर। ठीक है बच्चों, चलिए इसी तरह आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, उसी टाइप का है, यानी प्रथम अर्धांश हमारा कैसा लिखा हुआ है, विपरीत लिखा हुआ है। प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखने पर। ठीक है बच्चों, चलिए सवाल है हमारा, इसमें सवाल है हमारा थर्ड इसमें। ठीक है, क्या है सवाल, कि बाएं से 19वें अक्षर के 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर बताओ। ठीक है बच्चों, तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इसे कैसे निकालना है। चलिए बढ़ते हैं क्या करना है। तो हमें पहले क्या पॉइंट है हमारा, कि बाएं से 19वें अक्षर पे जाना है। ठीक है, तो हमारा जो है प्रथम अर्धांश ही तो विपरीत है, बाकी का हमारा ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। चलिए जान लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है हमारा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के के एल और एम। ठीक है, क्या है एम। अब इसके आगे क्या है, कि बाकी का ज्यों का त्यों लिखना था, यानी जो हमारी वर्णमाला सीधी सीधी है वही लिखना था। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। ठीक, चलिए अब उसने हमसे कहा कि बाएं से 19वें अक्षर के दाएं जाना है, तो बाएं से पहले 19वें अक्षर की तरफ चलते हैं। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह और उन्नीस। तो 19वें अक्षर पे आ गए हम, 19वां अक्षर क्या है हमारा, एस है। 19वां अक्षर क्या है हमारा, एस। अब उसने कहा हमसे कि 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर जाना है। ठीक है, 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर जाना है, यानी कि अब हम इधर नहीं जाएंगे, कहाँ आगे ही जाना है, दाएं साइड ही जाना है। तो चलिए अपनी वर्णमाला को पूरी कर लेते हैं। यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब उसने हमसे कहा 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर गिन लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच छ सात, तो 7वां अक्षर कौन सा प्राप्त हुआ हमें, जेड प्राप्त हुआ। आ गया होगा समझ में बच्चों, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बाएं से 22वां अक्षर क्या करना है। अगला है आपका सवाल, बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर बताइए।
चौदहवा अक्षर बताओ। ठीक है, तो बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर बताना है। तो चलिए चालू करते हैं उसी पॉइंट को हम अपने को, कि हमारी जो ABCD है वो उसी क्रम में है, और लिखते हैं चलिए क्या है, MLKJIHGFEDCBA। ठीक, इसके आगे वर्णमाला को पूरी करते हैं, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ से अर्धांश है। ठीक है, हमारा अर्धांश कहाँ से है, यहाँ से है, ये वाला हिस्सा हमारा पूरा यहाँ एक हो जाता है, तो ये हिस्सा यहाँ से बट गया है। ठीक है, यहाँ से हमारा हिस्सा अर्धांश में बढ़ जाता है। ये हो गया आपका प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश। ठीक है, इधर लिखेंगे हम आपका द्वितीय अर्धांश, और द्वितीय अर्धांश के बारे में उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा है। ठीक है, तो वो उसने बताया है कि ज्यों का त्यों लिखना है, इसलिए हम सीधा सीधा लिखते हैं NOPQRST UVWXYZ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं कि हमारा सवाल हमसे क्या कह रहा है। तो हमारे सवाल ने हमसे कहा है बाएं से 22वें अक्षर के, तो बाएं हमारा कहाँ पे होता है, तो ये साइड हमारी बाएं होती है, हमें पता है। ठीक है, तो बाएं से चलेंगे 22वें अक्षर की तरफ। तो असली बात तो ये है कि जब हमारा द्वितीय अर्धांश बदला ही नहीं है, तो हमारा जो अक्षर है वो सेम कंडीशन में इधर आ जाता है, तो हमारा इधर आएगा। तो चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, और ये आपका 22 हो गया। ठीक है, 22 ये रहा आपके सामने। ठीक है, हम इसे इजोटी से भी देख सकते थे, टी हमारी 20 पे होती है, टी से आगे दो बोलना था, यानी यू और वी, तो वी हमारा 22वां अक्षर हो गया। ठीक है, वी हमारा 22वां अक्षर हो गया। 22वें अक्षर से उन्होंने हमसे कहा कि बाएं से 22वें अक्षर के बाएं जाना है, तो अब बाएं इधर नहीं है, बाएं कहाँ है, इधर है आपके लेफ्ट साइड में। चलिए वापस चलते हैं, और कितना चलना है, 14वें अक्षर तक जाना है। तो आपका है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, और ये है आपका 14। ठीक है, वापस गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो आपका 14वां अक्षर क्या हुआ, F हुआ। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 6ठा अक्षर बताओ। ठीक है, 6ठा अक्षर बताना है। तो हमारा क्या है, हम अभी देख लेते हैं, हमारा पॉइंट हमारे पास में कि हमारी जो वर्णमाला है वो विपरीत में लिखी हुई है प्रथम अर्धांश। चलिए वही हम दोबारा लिख लेते हैं, क्योंकि बार बार फिर कैमरे को ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो हमारा है MLKJIHGFEDCBA। ठीक है, इतना लिखेंगे क्योंकि हमारा बाएं से 7वां अक्षर ही पूछा है।
तो हमारा सवाल है, बाएं से सातवें अक्षर की तरफ जाना है, तो बाएं हमारा इधर ही होता है, ये साइड हमारा बायां है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमें कहाँ जाना है? 7 पे। तो ये है हमारे पास में 7, जी आ गया, ठीक है, बाएं से सातवें अक्षर पे। सातवें अक्षर के बाएं छटा जाना है अब हमें, ठीक है, सातवें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर? छठा अक्षर जाना है। तो बाएं कहाँ है? तो इसकी बाएं इधर साइड है, इधर ही जाना होगा। अगर इधर जाते तो ये वाली साइड हमारी दाएं हो जाती है, ठीक है। उसने कहा बाएं जाना है, तो वापस चलते हैं। और कितना अक्षर? 6 अक्षर चलना है। 1 2 3 4 5, और एम हो गया आपका छठा अक्षर, ठीक है, एम हो गया आपका छठा अक्षर। तो बाएं से सातवें अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या रहा आपका? एम रहा आपका, ठीक है बच्चों, ये रहा इसका। अगले वीडियो में हम आपका द्वितीय अर्धांश से संबंधित और दोनों का मिक्सर पॉइंट आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।